गुड मॉर्निंग, मेरा नाम अमरीश सिंह है फ्रॉम न्यूरोलॉजी एंड स्लीप सेंटर। आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो हमारे एयरमिनी के जो सीपैप जो यूज़र हैं हमारे, उनके लिए ये वीडियो है। बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको पता नहीं है हम इस डिवाइस का फिल्टर कैसे क्लीन करना होता है और इसका मेंटेनेंस क्या है, वो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। सो सबसे पहले ये डिवाइस है और इसमें बताना चाहूँगा मैं आपको, ये जिसमें प्लग लगता है, एडाप्टर लगता है, ये यहाँ पे ट्यूब लगता है और जस्ट जहाँ ट्यूब लगाते हैं उसके नीचे ये फिल्टर का एरिया होता है। ये पूरा इसके नीचे फिल्टर होता है। इसको कैसे क्लीन करना है, सबसे पहले इसको नीचे की तरफ पुश करना है। पुश करते ही ये फिल्टर आ जाता है इसका। सो ये फिल्टर होता है। इस फिल्टर को हमें महीने में, हर महीने एक बार इसको वॉश करना होता है और इस फिल्टर की जो लाइफ होती है वो 6 महीने की लाइफ होती है। तो इसको 6 बार वॉश करना है हर महीने और 6 महीने बाद दोबारा दूसरा फिल्टर लगा के इसको यूज़ करना है। क्लीन करने के लिए इस पर डिटर्जेंट डालना है, लिक्विड डिटर्जेंट, और इसको धोना है प्रॉपर पानी में और जब बिल्कुल ड्राई हो जाए, फिर ड्राई हो जाने के बाद इसको फिर दोबारा इसमें लगा के इसको हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये फिल्टर यहाँ पे सेट हो गया दोबारा। सो ये तो रहा डिवाइस का। दूसरा रहा जो ये ट्यूब होती है, ट्यूब में बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो कि नेजल पिलो मास्क यूज़ करते हैं, नेजल मास्क यूज़ करते हैं और फुल फेस भी यूज़ करते हैं, बट मोस्टली नेजल पिलो वाले हमारे पास बहुत सारे, उनके लिए बताना चाहूँगा मैं। ये एक बटन होता है यहाँ पे नेजल पिलो में, इसको जस्ट क्लिक करना होता है ऊपर की तरफ, क्लिक करते ही ये पार्ट निकल के आ जाता है। इसको भी सेम लिक्विड डिटर्जेंट में धो के और फिर साफ पानी से अच्छे से धो के 3-4 बार दोबारा इसको यहाँ पे इसको प्लेस कर देना होता है। ये मास्क हो गया हमारा और इसको हर महीने में एक बार धोना जरूरी है, हर मंथ इसको धोना है। दूसरा जो है वो इसका ह्यूमिड एक्स फिल्टर है, जिनको ड्राइनेस होती है उनको ये यूज़ करना है और इसकी जो लाइफ होती है वो मैक्सिमम 1 महीने की लाइफ होती है। 1 महीने बाद इसको हमें फेंक देना होता है, फिर दूसरा हमें लगा के यूज़ करना है। तीसरा जो है आपका वो ये रहा ट्यूबिंग का। इस ट्यूबिंग को भी महीने में एक बार धोना है, पानी में थोड़ा सा लिक्विड डिटर्जेंट डाल के और उसको घोल बना के 1 गिलास इसमें डालना है और दोनों साइड से इसको ऐसे करके धो के फिर साफ पानी से धो के इसको हैंग कर देना है और 3-4 घंटे बाद इसके सारे पानी जो है निकल जाता है, फिर इसको इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा एयरमिनी डिवाइस का क्लीनिंग पार्ट और मेंटेनेंस पार्ट। अधिक जानकारी के लिए जो आप हमारा वेबसाइट है www.neurologysleepcenter.com पे लॉगिन कर सकते हैं, वहाँ पे सारी आपको जानकारियाँ मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।